आपके गमले में अगर नाग चंपा का पौधा है और अगर फूल नहीं आ रहे, तो आपको कौन सी खाद, कौन सी मिट्टी और गमला किस टाइप का, मैं थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए कितनी शानदार ग्रोथ और कितने सारे फूल। ये सिर्फ एक वर्ष का पौधा है, ये मैंने कटिंग से तैयार किया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कटिंग कैसे करके मैंने लगाई है। ये देखिए, ये वेस्टेज पुरानी डिस्टेंबर की बाल्टी, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला। अधिक फूल लाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये सूखे पत्ते की मेरे पास वर्मी कंपोस्ट खाद, ये नाग चंपा के पौधे में निंदाई गुड़ाई करने के बाद इसको डालते हैं और उसके बाद पानी लगाते हैं। उसके बाद ये इतने सारे, पहले ये पुराने, इसके अंदर कचरा जो भी है वो हटा दें और अच्छी बढ़िया ज़मीन पलटा दें 2 इंच तक। इसके अंदर जो 80% है किचन वेस्ट भरी हुई है। निंदाई गुड़ाई करने के बाद सूखे पत्ते की वर्मी कंपोस्ट खाद डालना है। ये निंदाई गुड़ाई कर दी, ये देखिए इसके अंदर एक एक तुलसी का पौधा भी उगाया और ये एक टमाटर का पौधा भी अपने आप लग गया। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दें। सूखे पत्ते की बनती है ये, आप घर पे बना सकते हैं। नीम के पत्ते हैं, कोई से भी गार्डन के पत्ते जो रहते हैं उनको इकट्ठा कर लें। वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं इसके वीडियो डाले हुए मेरे 2-3, और अब इसमें पानी डाल देंगे। ये महीने में एक या दो बार ऐसा आप करें। अभी ये मौसम है खाद डालने का, उसके बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया चलेगी और फूल लगना अच्छे चालू हो जाएंगे। ये आप खुद ही देख रहे हैं, ये पौधे मैंने कलम से बनाए। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी कलम कैसे लगती है। ये देखिए, ये कलम से मैंने एक बनाया पौधा, ये लगा हुआ है नाग चंपा का पौधा। ये नाग जैसे फन जैसे इसके पत्ते रहते हैं, एक ही इसके अंदर, ये एक और है, ये रहा एक है ना।